नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड के बीच एडिलेड ग्राउंड पर खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले जॉस बटलर की टीम को डबल झटका लग गया है। टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड मलान के साथ तेज गेंदबाज मार्क वुड भी चोटिल हो गए हैं। ऐसे में सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ वो मुकाबला खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मार्क वुड इंग्लैंड टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार उनका भारत के खिलाफ खेलना बेहद मुश्किल है। वुड ने शरीर में जकड़न होने के कारण अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया। इस वर्ल्ड कप में मार्क वुड ने अपनी गति से बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रखा है और वुड ने अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद डाली है और 4 मैच में 9 विकेट हासिल कर चुके हैं। वुड अगर बाहर होते हैं तो इंग्लैंड के लिए काफी बड़ा झटका होगा। उनकी जगह क्रिस जॉर्डन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। भारत के खिलाफ इस बड़े मुकाबले से पहले वुड ने एहतियाती तौर पर नेट्स में एक भी गेंद नहीं डाली। आपको बता दें कि दाहिनी कोहनी के 2 ऑपरेशन के चलते वुड लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम में वापसी हुई थी। वुड के अलावा डेविड मलान भी चोटिल हैं और सेमीफाइनल में उनका खेलना भी पक्का नहीं है। मलान की जगह टीम में फिलिप सॉल्ट को जगह मिल सकती है। इंग्लैंड के प्रैक्टिस सेशन में फिलिप सॉल्ट को नेट्स में काफी देर तक बल्लेबाजी करते हुए देखा गया था। वहीं अगर भारत और इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 22 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 12 और इंग्लैंड ने 10 मैच जीते हैं। अगर पिछले 5 मैच की बात करें तो भारत ने 4 और इंग्लैंड ने 1 मैच में जीत हासिल की है। T20 वर्ल्ड कप में अब तक 3 बार दोनों टीमें टकराई हैं, जिसमें भारत ने 2 और इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है। अब गुरुवार को देखना होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है और 13 तारीख को होने वाले फाइनल में जगह बनाती है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।